जैसे टैक्सी वालों को ओला उबेर और प्राइवेट एग्रीगेटर ने जैसे खत्म किया है, वैसे अभी ओला उबेर ने अभी रिक्शा वालों के ऊपर ध्यान दिया हुआ, और मुझे लगता है कि परिसंवाद होना बहुत जरूरी है, और इसके वजह से आप लोगों को मैंने यहाँ पर बुलाया। बड़े कोरोना के बाद बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हुआ, और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम नहीं है तो एक परिसंवाद है, और मुझे लगता है मैंने खास करके सिर्फ रिक्शा वालों को यहाँ पर मैंने बुलाया है। पहला सेशन हमारा रिक्शा चालक और मालकों के साथ में हमारा परिसंवाद है, और मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों से लूँगा नहीं, क्योंकि उन्हें जो चीज़ें हमें बोलनी है वो विजय शंकर मिश्रा जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से हमने आप तक बहुत सी चीज़ें पहुँचाई हुई। तीन चार चीज़ों पर हमको काम करना है, उस पर आप लोगों का मैं राय मशवरा लूँगा, और उसके बाद में ये आप लोगों का सुनूंगा और फिर मैं उसके ऊपर बोलूंगा हमने क्या क्या किया है। किसी के पास 1,000 है, किसी लोग का तो एक एक दिन में 1,000 रुपया फाइन आया, और जिसमें रिक्शा वालों की कोई गलती नहीं है वो भी फाइन उनके ऊपर लगा हुआ है, और जिस चौकी में जाते हैं ट्रैफिक चौकी में बात करने के लिए नहीं नहीं है तेरे को भरना ही पड़ेगा, तो आज भरने के लिए उसको कोई समस्या सुनने वाले का रिक्शा फाइन के ऊपर नहीं है, क्योंकि मेरी गलती है मैं करता हूँ, गलती नहीं है और वो पैसा मैं नहीं भरूंगा। उसके लिए धड़क कामगार यूनियन ने अपना एक मुहिम चालू किया है, इसलिए कि हम लोग का एक ही डिमांड है, क्योंकि इसका कंप्लेंट टीसी ऑफिस होता है ओनली, अपना रिक्शा वाला दिन भर खड़ा करेगा ओनली जाएगा, वो बोलेंगे देखेंगे चेक करेंगे, 4 राउंड माना तो उसका 2,000 रुपया धंधे का गया, तो बोलेगा सर कुछ हो नहीं रहा है, तो मतलब क्या है। हम लोग का एक ही चीज है कि जो ऑनलाइन फाइन लीगल है, सरकार ने किया है, जो मैं गलती किया हूँ, सिग्नल तोड़ा हूँ, जंपिंग किया हूँ, नो पार्किंग में घुसा हूँ, वो फाइन भरने को तैयार हूँ, और जो प्रभु आपको चेयर निकाल रहे, क्योंकि बाकी लोग के चेयर निकाल रहे, जिनके लोग के बैठे नहीं, मैं चेयर ऊपर पड़ा है साइड में, गणेश साहब चेयर सबको जो बैठने के लिए बाकी लोग खड़े हुए हैं, चेयर निकाल रहे सबको बैठने, थोड़ा थोड़ा चेयर आगे दे, थोड़ा थोड़ा आगे दे तो पीछे जगह हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आगे ले लीजिए, सबको एडजस्ट हो जाएगा। हमारे पेट की जो लड़ाई है वो पूरी होनी चाहिए, बोलना है कि हमारी यूनियन ये आप लोग के लिए काम कर रही, जो हमारे मेंबर है वो भी, जो नहीं है वो भी, क्योंकि हमारी यूनियन लड़ेगी तो ये नहीं देखती हमारे मेंबर है, क्योंकि हमारे मेंबर है इसलिए हमने, क्योंकि आज के डेट में रिक्शे वालों की धंधा 400-500 रुपए धंधा हो रहा है, 400-500 धंधे में 500 उसको फाइन हो गया, 600 फाइन हो गया, तो बेचारा घर पे क्या ले जाएगा और फाइन क्या भरेगा, क्योंकि वो भर नहीं रहा है, इसकी वजह से वो बढ़ते जा रहा है। तो हमारा एक ही चीज है कि मेरी गलती नहीं है तो मैं फाइन नहीं भरूंगा, उसके लिए कुछ भी हो रहे थे, और मुख्यमंत्री को एक महीने के अंदर इसका फॉलो होके हर नहीं निकला, एक महीने का आप लोग ने टाइम दिया है और एक महीने का इसका फॉलो नहीं निकला तो हम लोग रोड पे उतरेंगे, और रोड पे उतरेंगे, और मेरा हम लोग का ये मांग है। और दूसरी चीज मेरे भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, आए दिन ओला उबर जैसे टैक्सी वालों को खा डाले, टैक्सी वालों को क्या दशा है वो एक ही चीज बोलते हैं, जो यूनियन ओला उबर को भगाएगा मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि ना कोई भगाने वाला है, और आज उनका एक एक हफ्ते तक चाबी लेके आते हैं, बोली नहीं होती टैक्सी वालों की, और आज जो ओला उबर में लगे हुए हैं, शुरू में ओला उबर ने ज्वाइन किया तो उनको स्कीम दे रहा था इतना टिप के ऊपर इतना पैसा, तो लोग जुटते गए, और आज जो ओला उबर में फोर व्हीलर डाले हैं उनकी भी हालत खराब है, और टैक्सी वालों को तो खराबी है, या तो डिवाइस चलेगा या तो मीटर चलेगा, क्योंकि जो डिवाइस पे चलेगा वो मीटर नहीं, और जो मीटर चले
जहां अपने मीटर से 250 रुपया होगा वहां ओला का भाड़ा होगा, जो ओला से मारेगा डिवाइस से 125 रुपया होगा, आगे का फर्क है। आज ये सब ओला में ज्वाइंट हो जाएंगे तो धंधा किसका जा रहा है? रिक्शा वाले का जा रहा है, लेकिन ये रिक्शा वाले नहीं देख रहे। अरे उधर एमपी से आएंगे उससे अच्छा। थैंक यू। पुरस्कार प्राप्त मोहन जाधव, अरुण पांडे, मोहन जाधव है सर, इधर जाओ ना यार, ये बोल जाइए। एक्सक्यूज मी, चलिए कुर्सी अमर शेख सर, क्या कर महबूब शेख, महबूब शेख, बहुत ज्यादा अरुण पंडाल है, महबूब शेख। हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं गणेश कामगार युनियनच्या मी जाहीर करतो, आणि ज्या प्रकारे सरांनी आपल्याला आश्वासन दिले आपले जे काही प्रॉब्लेम असतील ते पर्सनली भेटून त्यांच्याकडून सॉल्व करून घ्या। धन्यवाद। अभी उस समय का समय जो ऐसा था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर जो ये अभी राणे साहब ने जो किया था ये चीज़ को, उससे तो बहुत लोगों को बहुत ही समझो कि फायदा हुआ। कम कम जो है नहीं कुछ तो 10-15 दिन खाने के लिए तो कम कम हो गया था। सर आप क्या कहेंगे? हम लोग जो है मेहनत करके अपना गोरेगांव से पूरा सामान भर करके और जगह जगह लोगों तक पहुँचाते थे, जो ज़रूरतमंद लोग रहते थे सबको पहुँचाते थे, और कोरोना काल में कोई बाहर निकलता नहीं था, लेकिन हम लोग अपने जान जोखिम में डाल करके जान जोखिम में डाल करके और पब्लिक की सेवा कर रहे थे, और साथ के साहब और मिश्रा जी के साथ कंधा में कंधा मिला करके हम लोग जो है मतलब पब्लिक तक पहुँच रहे थे। ओके, थैंक यू। आज कोरोना काल में बोले तो रिक्शा वाले की मदद करने के लिए कोई नहीं आया आगे, और हमारे यूनियन के जो धड़क यूनियन के अभिजीत राणे जी है वो हमें कुछ राशन दिए रिक्शा वाले लोगों को देने के लिए, उसमें मैं और हमारे रिक्शा बोले तो मैं रिक्शा जयकोच यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मैं और मेरे रिक्शा चालक सब मिल के हमारे रिक्शा वाले विरार तक रहते थे, वो हमारे सब रिक्शा वाले कार्यकर्ता कुछ मिल के वहाँ जो मेंबर हमारे विरार में रहते थे विरार तक हमने अभिजीत राणे का दिया हुआ राशन हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया है। सर आप क्या कहेंगे? मैं
धड़क यूनियन का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे राणे साहब ने जो काम किया कोरोना काल में, यहाँ की सरकार भी ने वैसा काम नहीं किया। जो जो रिक्शा वालों को हर चीज़ की, मतलब क्या है, कोरोना काल में पैसे के से लेके राशन की समस्या को राणे साहब ने हल किया, सबको दिया। और मैं ले जाके सबको, मतलब कोरोना काल में लेके सब हमारे, मतलब रिक्शा वाले भाइयों को मैं जाके वितरित किया। इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सोचता हूँ कि ऐसे धड़क यूनियन बम्बई में अगर कहीं ज़्यादा से ज़्यादा में अपना विकास करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग का मदद करने के लिए कोई आगे आया नहीं, रिक्शा चालकों को लिए कभी कोई पूछा नहीं। मैं न्यूज़ में सुनता था कि भाई चलो दिल्ली में है, वहाँ की सरकार रिक्शा वालों को 5,000 रुपये का, मतलब दे रही है, लेकिन यहाँ की सरकार हमारे रिक्शा भाइयों के लिए, उनकी क्या हालत है, वो कैसे जी रहे हैं, इसके बारे में यहाँ की सरकार ने कभी सोचा नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि भाई अभी भी समय है, सरकार कुछ इसके बारे में सोचे। लोगों को मदद करना, और मैं मूल रूप से आज जो कम्युनिटी को लीड करता हूँ, जो कामगार वर्ग है, उस कामगार वर्ग के जो रिक्शा चालक और मालक, एक शोषित पीड़ित वर्ग था उस समय का, उसमें धड़क ऑटो रिक्शा चालक मालक संगठन जो है, जो मुंबई शहर में लगभग 40,000 से अधिक रिक्शा वालों का नेतृत्व करता है, और बहुत कठिन समय से ये रिक्शा चालक मालक उस वक्त में गुजर रहे थे। उस समय बहुत से हमारे साथ जुड़े हुए रिक्शा वाले चालक मालक आक्रामक थे लोगों को सेवा करने में, लोगों को सेवा देने में, और उन 10 लोगों को हमने यहाँ पर हमारे यूनियन के माध्यम से सम्मानित किया, जहाँ पर हमने उनको एक सर्टिफिकेट, 3,000 रुपया रोक राशि, और उनको एक मोटिवेशन देने का काम किया है। मेरे साथ हमारे फैमिली के सदस्य विनोद शेलार जी, जो हमारे प्रभाग के लीडर है और मुंबई के सेक्रेटरी है, यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रेड यूनियन में जब हम काम करते हैं तो वर्कर्स से डायरेक्ट इमोशनल एक आपका बॉन्ड होना चाहिए। और मैं मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में लगभग 7,00,000 से अधिक वर्कर्स का नेतृत्व करता हूँ, जहाँ पर रिक्शा टैक्सी एक हमारी सेगमेंट है, संगठित असंगठित क्षेत्र में बहुत वर्कर्स आते हैं, जिसमें ये हमारी एक विंग है। और आज रिक्शा वालों का भाड़ा बढ़ाने का एक पहल सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, मगर आज इस बात को भी लगभग 3 महीने हो चुके हैं। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के पर्यावरण ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2 रुपया बढ़ाने के लिए वो बहुत ही वॉज वेरी पॉजिटिव, मगर बहुत से संगठनों ने उस पर विरोध किया है। जो संगठना रिक्शा वालों के हित में विरोध में जाएगी, उसको धड़क कामगार यूनियन अपने स्टाइल से उसको जवाब देगी निश्चित तौर पर। और अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है, बहुत से रिक्शा वाले आज ओला उबेर के जैसे डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, और ओला उबेर रेगुलर रिक्शा, जब आप रेगुलर रिक्शा में जाते हो तो वहाँ पर अगर आपका फेयर 200 रुपया होता है तो ओला उबेर आपको 150 रुपये में जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर होता है वो जो सस्ता मिलता है उसको प्रेफर करता है। तो हमारी मांग है कि अगर आप ओला उबेर से जाते हो तो जिन रिक्शा वालों को ओला उबेर का डिवाइस यूज़ करना है तो आप ओला उबेर का ही डिवाइस यूज़ कीजिएगा, जिनको रिक्शा का रेट कार्ड चलाना है वो रेट कार्ड चलाएंगे। और इस पर एक बहुत बड़ा हम आंदोलन पुकारने वाले हैं, आज उस पर हमने चर्चा की। मुझे लगता है धनराशि एक मोटिवेशन होता है, पैसा कोई मायने नहीं रखता, उनको एक मोटिवेशन, उनको एक प्रोजेक्शन, और जो बाकी के लोग हैं उनको भी ऐसा लगता है कि अगले साल हम भी इसके एक इनाम के हकदार होंगे।
सर, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जो पैसे बढ़ने वाले हैं, इसका आमतौर पे लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कोरोना सब लोगों पर इफेक्ट हुआ है, तो जिस वर्क को मैं लीड करता हूँ उनके बारे में बोलना मेरा काम है। जैसे कि कोविड वैक्सीन भी आ चुकी है अभी, तो आपके लिए क्या होगा कि आपकी जो निश्चित तौर पर आज ही केंद्र आरोग्य मंत्री ने अनाउंस किया है कि कोविड के जितने भी वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। सबको नहीं मिलेंगे, खाली फर्स्ट फेज में मिलने वाले हैं? नहीं, इट इज अ ब्लैंक है, नहीं इट इज ओपन, आज सबको मिलेगा, सबको, सब नहीं नहीं सबको बोला हुआ। विनोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सड़क कामगार यूनियन लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं, और जिन लोगों ने कोरोना काल में काम किया उन्हें आज यहाँ सम्मानित किया गया, आप उन्हें अपने हाथों से अवार्ड दिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या फील करते हैं? देखिए, धड़क यूनियन का नाम ही धड़क है, तो उनका काम में भी धड़क होती है, और यूनियन यानी लोगों को साथ में रखना, साथ में आगे बढ़ाना, इसका ही नाम यूनियन है। और संकट के समय कोरोना में पूरी दुनिया जल रही थी, तब मुझे लगता है धड़क यूनियन के सभी जो मेंबर्स है वो लोगों को अपने मंजिल तक लेके जाने का काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, बसेस बंद थी, ट्रेन बंद थी, उस वक्त हमारे रिक्शा वाले लोगों को अपने मंजिल तक लेके जा रहे थे। तो ऐसे लोग जो ऐसे संकट के समय लोगों के लिए आते हैं, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। मैं अभी एक भाषण देके वही आया, वहाँ पर मैंने कहा कि जो लोग जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, और जो लोगों के लिए मरता है वो निरंतर जीता है। तो ऐसे जो लोगों के लिए मरने वाले जो लोग हैं उनको ध्यान में रखकर उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, और यह पहल मेरे मित्र अभिजीत राणे जी ने की है, बहुत ही काबिले तारीफ है। इन सच पूछे तो मेरे मन में ये था कि महाराष्ट्र सरकार ने इन रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को लिए कुछ न कुछ करना चाहिए था, ये मांग भी थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस महाराष्ट्र सरकार ने वो किया नहीं। कई अन्य राज्यों के सरकार ने अपने यहाँ जैसे किसानों को थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं, वैसे ये ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र के किसान हैं, उनके लिए मदद उन्होंने करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस विषय को अभिजीत जी लेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। तो विनोद जी, आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों की मदद नहीं की है, मतलब बाकी लोगों की मदद लगता है आपको कि ये खाली रिक्शा चालकों की मदद नहीं की है? नहीं, वैसे बहुत, वैसे कोविड के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह इस विषय को हैंडल किया, मेरी बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ यूनियन के लेवल तक है, नहीं तो महाराष्ट्र में कोविड इस लेवल तक बढ़ता नहीं था जिस लेवल पे बड़ा है, और मुझे लगता है थोड़ा इसको हैंडल करने में थोड़ी कामयाबी नहीं मिली है इनको, बहुत सारे फ्लॉस थे, अनाज बिनाज भी वक्त पे लोगों को मिला नहीं, आईसीयू मिलने चाहिए थे तब मिल नहीं रहे थे, एडमिशन्स मिल नहीं रहे थे, अभी तो कोविड सेंटर सब खाली के खाली पड़े हुए हैं, वो किसके लिए बनाए अभी उसके विषय में मैं कभी बात करूंगा, उसमें क्या क्या हुआ वो सब एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमारे बहुत सारे ग्रीवेंसेस महाराष्ट्र सरकार के विरोध में इस विषय के लिए है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से धड़क कामगार यूनियन द्वारा पहले तो लोगों की मदद की गई, लेकिन जिन उस दौरान जिन लोगों ने काम किया उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जरूरत था ये बात की, मैं आज कोरोना के तरफ में देखते हुए बहुत लोग परेशान था, आज कोई भी ट्रैफिक नहीं था जाने के लिए, कोई भी रास्ता नहीं था, तभी जिस लोगों ने काम किया है उसको सम्मानित करना, ये तो अपना यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हमारा काम ही है। एंड जैसे ही धड़क कामगार ने जो कदम उठाया वो उसको उत्तेजन देने के लिए बहुत ही अच्छा है कि उसके लिए आगे भी वो सामाजिक काम करके सामाजिक बांधिल की अपना रख के वो जो काम करे उसको सम्मानित होना ही चाहिए, उसके लिए हम साथ में है। हम लोग अभी, मेरा नाम महबूब शाह, मैं कांदिवली दामूनगर में रहता हूँ। दूसरी बात क्या है कि अभी मैंने कुछ अभिजीत राणे साहब को हम लोग ने मीटिंग किए, बोले ये तो हम लोग ने जो मदद की है, जैसा कि हर रास्ते में हमें पुलिस वाले रुकाते थे, डंडे मारते थे, लेकिन हमको एक ऐसा एक पेपर बना के दिया गया था कि हमने गाड़ी के आगे लगाए थे कि उसके अंदर कुछ राशन थे, चावल थे, दाल थे, तेल वगैरह, कुछ राशन के जो चीज़ें थे वो हम लोग पहुँचाते थे, और उनको उनके घर तक, गली तक पहुँचा के उनके घर तक देते थे, और अपंग जो होते, जो अंधे लुंगे जो बहरे जो होते ना अपंग लोग, उनके तक भी हम लोग ने पहुँचाए, और उनके लिए तो हम लोग ने ज़्यादा कुछ किए।
और दूसरी बात, अभी मैं अभिजीत रानी साहब को वो भी एक बात बताया कि अभी हम लोग रिक्शा वाले टैक्सी वाले जो है शुरू से रिक्शा लाइसेंस बैज लेके चलते चलाते हैं, तो हमारे लिए भी आगे कुछ सरकार से कुछ हमारे लिए भी विनती करे कि हमको जैसा कि जो कामगार हॉस्पिटल के लिए जैसा सरकारी नौकरी के लिए होता है उनको कार्ड मिलता है या उनको कुछ मतलब दवाखाने में उनकी फैमिली के लिए मिलता है, तो हमारे फैमिली के लिए भी हमको कुछ करे, हम रिक्शा वाले के लिए भी कुछ करे। कुछ हमने ऐसा अभिजीत रानी साहब से भी वो बात की है, और जैसा कि हमको कार्ड बना के मिले तो हमारे बाल बच्चे हैं, माँ है, बाप है, बीबी है, तो उनको कार्ड में कुछ 1-1 लाख रुपया कुछ होता है, जैसा कि कोई ऑपरेशन करना है तो छोटा मोटा भी 50,000-1 लाख रुपया होता है, तो हमको भी कुछ कम करके मिले, तो हमको भी ऐसा कार्ड मिले तो हमारा कुछ ये हो जाए ना, नहीं तो रिक्शा चलाने से किसी की कमर दुखती है, कभी किसका पैर दुखता है, तो कभी किसका पेट दुखता है, तो उनकी उम्र ऐसी निकल जाती है। तो आप लोग से भी विनती मैं बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू महाराज। ओके, थैंक यू।